चलो भाई कालू रैबिट बाहर आ जाओ, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। दोस्तों जब से हमारे रैबिट पेट हाउस में आए हैं ना, ये काफी सही होते जा रहे हैं। कालू तो बिल्कुल सही हो गया, जो ये वाला है ना ये अभी बीमार है। और हाँ दोस्तों, मैं पेट हाउस में आया हूँ, मैंने देखा ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से आया और कौन ले आया मुझे पता ही नहीं है। घर वालों ने बोला इसको भी आप मिनी जू में ले जाओ, इसकी केयर करो। हाँ भाई कैसे हो? हमारे कबूतर का बच्चा कितना बड़ा हो गया है, इसका कलर देखो कितना खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार सबसे पहले ना इन सब के लिए मैं ले आया हूँ घास। डक्स तुम पहले आ गई हो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो घूमो मारो, अभी देखना इनको खाते हुए। मैं तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ना रैबिट्स के बच्चों को चेक करता हूँ जो कल पैदा हुए हैं। आपको पता है क्या उसने अंदर छुपाया अपने बच्चे? किधर? अंदर। मैं देखता हूँ दोस्तों। हाँ ये पड़े हैं। उस कैट गैंग को देखो, इनको सबसे ज्यादा जल्दी है। ओ स्यूटी को देखो, स्यूटी दोस्तों फ्रेश हो गई है, कल इसको नहलाया और दवाई खिलाई है ना। बस जल्दी जल्दी सही हो जा तू। दोस्तों जिमी के काम देखो, अंदर से कुंडी लगा दिया। जिमी खोल अंदर से खोल, हमें कोई तरीके से खोलना पड़ेगा। पता नहीं कैसे इसने कुंडी लगाई है। खुल गया मुझे लगता है, खुल गया। चलो भाई शुक्र है खुल गया। दोस्तों हमारी मुर्गियां पहले ना नीचे गार्डन में अंडा देती थी, और जिन्होंने न्यू जगह बना लिया। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। शुक्र है मिस्टर जिमी ना अपना एप्पल खाने में लगा हुआ, इसने अंडा, ओए अंडा नहीं अंडा नहीं, अभी अंडा तोड़ देता। यार एक चीज तो पहले खा लिया करो, दूसरी खाने की जल्दी होती है। अगर मिस्टर जिमी इसको पहले देख लेता ना, ये अंडा ना होता, उसके पेट में होता। दोस्तों आज लाहौर से एक सब्सक्राइबर मिलने आया है। क्या ले भाई, ठीक हो? हाँ वलीद। तो मैं जरा ना इसको टैंगो मैंगो से मिलवा रहा हूँ। अच्छा कैसा लगा हमारा मैंगो? आज गोलू मोलू को मैं अपने हाथ से चिकन खिलाने वाला हूँ। गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर, पहली बात। भाई खा लो, नाराज हो खा लो। ओ भाई साहब, दोस्तों पहली दफा ना मेरे हाथ से इसने चिकन खाया। मुझे तो लगता है दोस्तों ये जो स्पैरो है ना, इस जगह पे घोंसला बना रही है। ये देखो, ओह ये बार बार इधर आके बैठ रही है और नेस्टिंग मटेरियल भी लेके आती है। आज इतना मस्त मौसम है पड़ा, और ये देखो हरे भरे फूल लगे हुए हैं मिनी जू के गार्डन में। ओए होए क्या खुशबू आ रही है। तो मैं तो कहता हूँ आज पेट मार्केट चलते हैं, मौसम भी इतना अच्छा है ना यार, चलते हैं चलते हैं। मानो ठीक हो गया, सही। और वहाँ पता नहीं हमें क्या मिल जाए, कोई अच्छी चीज मिल ही जाएगी। कोई माइंड में है आपके? आपको पता है कल मैंने एक चीज देखी थी मार्केट में। क्या देखा था? नहीं अभी नहीं बताने वाले, बाद में यार बता दो, वहाँ जाके आपको पता वैसे भी चल जाएगा। चलो आओ आओ आओ। दोस्तों समझ ने कल ऑलरेडी चीज देखी हुई है कोई, तो ये कह रहा है वो लेते हैं, तो पता नहीं वो क्या चीज है, बढ़िया अभी जाके देखते हैं। फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं पेट मार्केट, और अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो क्या मिलता नहीं समझ ने देखा हुआ है, बताओ यार बताओ, अभी बताओ। चलो आगे जाके बताता हूँ। ये क्या आया पड़ा है? दोस्तों ये हमारे स्यूटी जैसे हैं, लेकिन इनका कलर ग्रे है बड़ा। ये तो बहुत प्यारे हैं। वो ये क्या है? ये तो वैसे मैं कैट्स देख रहा हूँ। ओनी कैट्स ऑलरेडी है, मैं तो कहता हूँ ब्लैक रानी के लिए ब्लैक राना लेते हैं। ये सही है, वैसे वो मिल नहीं रहा ना, मैं वही कैट्स इसी वजह से देख रहा हूँ। ब्लैक राना, ये राना नहीं है, ये तो व्हाइट राना है। ब्लैक राना, ब्लैक राना मैं कहाँ ढूंढूं? ब्लैक राना मुझे लगता है आज नहीं मिलेगा, तो वो जिम्मे लगा देते हैं पेट मार्केट वाले से। आप जो चीज कह रहे हो वो दिखाओ। चलो मैं दिखाता हूँ। चलो इधर आओ यार, पहले केज लेना है, उसके बाद उसमें वो चीज डाल देंगे। यार आज समझ घुमाई जा रहा है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप कह रहे हो कोई केज लेना है, कौन सा केज? केज भी छोटा वाला, इस तरह का? हाँ ये सही है। चलो ठीक है, ठीक है ना। मुझे लगता है कोई छोटी मोटी चीज है, कोई इतनी बड़ी नहीं लग रही। अच्छी ना हुई ना फिर देख लेना, अच्छी हमारे पास नहीं है इसलिए मैं ले रहा हूँ। बस ठीक है ठीक है, मतलब कोई न्यू चीज है बड़ी। चलो दोस्तों हमने केज बाय कर लिया है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या डालेगा समझ। बस यही रुकना है, ये कहाँ ले आयो? हाँ हाँ आजा बताता हूँ। चलो आप बता दो क्या होगा। यार मुझे पता होता है, मैं काफी देर से आपसे पूछ रहा होता। केज के हिसाब, इस केज के अंदर कोई तोते ही आ सकते हैं छोटे, या चिड़ियाँ आ सकती हैं। लव बर्ड है? लव बर्ड नहीं। क्या? मुझे तो लगता है ये कबूतर। फिंचेस? फिंचेस, ओ यार ये तो हमारे पास ही नहीं माशाल्लाह। चेक करो, ये सही चीज आपने चुनी है। सही है ना? हाँ ये हमारे सुपर केज में कितनी मस्त रहेंगी दोस्तों, जब ये उड़ी होंगी
मुझे लगता है ये ब्रीड भी बहुत ज्यादा करती है, ब्रीडिंग वाली। ये ब्रीडिंग वाली है ना। चलो केज ले आओ, कितने लेनी है? मैं तो कहता हूँ कोई 5-6 ले लो। ये ऑरेंज है या ज़ेब्रा फिंचेस है? ज़ेब्रा फिंच, ऑरेंज चेक में। अच्छा ये मेल है? मेल ये होता है जिसकी ये मल्टी निशान। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। और ये फीमेल है जिसकी नहीं है, जिसकी सिर्फ आईज के नीचे लाइन होती है। लाइन है बड़ा, हाँ मुझे समझ आ गई है। ठीक है मैंने बोला था ना स्वीटी जंगली हो रही है। ओ भाई पकड़ो 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 पकड़ो। स्वीटी क्या हो गया? स्वीटी इसको गोश्त देता मैं, इसको भूख लगी है। मुझे लगता है इसको भूख लगी है, वो हमारी फिंचीज पे ना हमला कर रही थी स्वीटी। ओ भाई साहब मैं दोस्तों सफाई में लगा हूं, फिंचीज को मैंने इधर रखा, कैट गैंग और स्वीटी इनके पीछे है बड़ी। स्वीटी तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकती, ये केज के अंदर है पड़े। बेचारों का क्यों खून सुखा रही हो आप? ओ यार आपने देखा ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहा मैं इनको खा जाऊं। कौन? फिंचेस को। नहीं यार इतने छोटे खा सकती है? क्यों नहीं, यही काम है इनका। ओ ब्लैक रानी भी आ गई। तो मुझे जल्दी से ना इनको सुपर केज के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो बिल्लियां इनको ना जीना हराम कर रही हैं। चलो गंदी बच्चियों इनके काम देखो यार, कैट गैंग के बेचारे फिंचिस को मारे, कितने मासूम है ये। आप इसको सुपर केज में खुला नहीं छोड़ो। अच्छा ये निकल जाएंगे। हाँ मैं भी सोच रहा था अगर हमने इनको ना ओपन छोड़ा सुपर केज में ये भाग सकते हैं, ये बहुत छोटे हैं ना। ऐसा करते हैं केज की जगह अंदर बना देते हैं। भाई ये सही है, इसको वहाँ रख देते हैं ना साइड पे। हाँ ऐसे लटका देते हैं, ठीक है प्यारा लगेगा। हथौड़ी ले आया हूँ, अब ऐसा करते हैं हथौड़ी के साथ सुपर केज में कील लगाते हैं और इस फिंचिस वाले केज को ना लटका देंगे। पहले तो मैं इसको रखता हूँ इधर, क्योंकि स्वीटी और सारा कैट गैंग ना इनके पीछे है बड़ा, बार बार केज के पास आके बैठ जाते हैं। हाँ ये जगह सही है, याद है पहले इधर हमारा येलो मेलो का होता था गेज? येलो मेलो, येलो मेलो तो चले गए हैं, अब उनकी जगह ना हमारी ज़ेब्रा फिंचीज आ गई हैं। मजबूती से लगाओ, मजबूती से, ये गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिरेगा ये लो। ये ऐसे इतना वजन है नहीं। हाँ इतना भारी नहीं है, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो वो देखो कैट गैंग का सिपाही अंदर भी इनके पीछे आ गया। इनको मैं 3 टाइम डाइट देता हूँ मुझे लगता है। नहीं ये इनको खाना चाहते हैं, हमारे ज़ेब्रा फिंचीज को खाना चाहते हैं। चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर, उनको क्यों खाते हो तुम? मैं पता ही नहीं लग रहा हमारे रैबिट बेबी की ना माँ कौन है। तो मैंने एक भाई का कॉमेंट पढ़ा, उसने बोला आप ऐसा करो जो रैबिट है ना उसको उल्टा करो, ये खुद इनको दूध पिलाओ। तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बड़ा, इनको दूध पिलाना। पहले तो मैं इनको निकालता हूँ बाहर, इधर आओ। मुझे लगता है ये इसकी माँ है, और मैंने कमेंट पढ़ा वो बोल रहा है इसको खुद पिलाओ। कैसे पियेंगे यार? पता नहीं यार कैसे पियेंगे, किधर है यार उनकी आंखें नहीं है, वो देख ही नहीं सकते। समझ नहीं आ रहा यार क्या करें, इस तरह तो मर जाएंगे यार, इनको कुछ ना कुछ पिलाना पड़ेगा। दोस्तों हमने बहुत कोशिश किया दूध पिलाने की, लेकिन ये खुद नहीं पी सक रहे। अब ऐसा करते हैं जैसे हम स्वीटी को फीड कराते हैं ना हाथ से, इनको भी करवाने की कोशिश करते हैं। ओ भाई चलो भाई जल्दी जल्दी खाओ, बारिश आने वाली है। चलो 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 अब ये खुद खाएंगी। पानी पिया है इन लोगों ने? हाँ पानी, बहुत इनको प्यास लगी थी, पानी पिया इन्होंने। कितनी क्यूट है यार ये छोटी छोटी। स्वीटी को मैंने सेव कर लिया इस जगह पे, ये यहीं पूरी रात रहेगी, और मैंने इसको ना मिल्क भी रख दिया, पीती रहेगी क्योंकि बाहर बहुत बारिश आने वाली है। ये जगह बिल्कुल सेफ है, इधर बारिश बिल्कुल नहीं आती। यार रैबिट के बच्चों को फीड कराएं, बबलू को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आजो 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 आजो। दोस्तों ऐसा करते हैं जो रैबिट के छोटे बच्चे हैं ना उनको मिल्क पिलाते हैं। वो इतनी तेज हवा और ठंडी ठंडी चल रही है, हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन आपको पता है पेट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस हवा में। मैंने सोचा पहले इनको बंद करें फिर रैबिट को ना डाइट देंगे। चलो भाई बंद, अंदर 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 अंदर, चलो भाई चलो भाई चलो, बंद करो यार आंधी वाला मौसम हो गया। चलो अपने घर चलो अपने घर चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भाई क्या बात है, इनको ना दोस्तों समझ ने ना अंदर डाइट रख दी, अंदर जाके खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ओए हमारे पर्दे को देखो ऊपर यार, इसको पर्दे को बंद करो जल्दी बंद करो, टूट ही ना जाए। ये सही किया मामू आपने बंद करके ना, नहीं तो ये तारे है ना ये निकल के टूट सकती थी। इसको क्यों देख रहे हो यार? ये बीमार है 2 दिन से यार। हाँ ये देखो पता नहीं कोई क्या हुआ, इसको समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ, ये देखो
मुझे लगता है इसका मुंह पका हुआ है। चलो इसको छोड़ दो, कल सुबह ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, काले बादल हैं और काम बहुत है अभी करने के लिए। अरे अब जैसे बारिश का मौसम हो इनको देखो टूटी फ्रूटी से खुश हो जाते हैं। इनके मजे मजे। दोस्तों अभी मैं मिनी जू के ना टॉप पे आया हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सारी चीजें सेव हैं या नहीं है हमारी, तो बिल्कुल हमारी सब पेट सेव हो गए हैं, तो बस हमारा काम भी यहीं खत्म होता है। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रैबिट को, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको हमने हैंड फीड करानी है। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा सनसेट है पड़ा सामने अभी, हालांकि धूप का टाइम है और ऊपर काले बादलों ने ना सूरज को ढक दिया बिल्कुल, इसी वजह से ना अंधेरा हो गया। मैंने अपने कजन से दूध मंगवा लिया है, अब जल्दी से ना अपने रैबिट्स को ना फीड कराते हैं। पता नहीं अब इस सुरानी इनके मुंह में जाएगी नहीं जाएगी। चलो ले आओ ले आओ। शुक्र है पी रहे हैं। इनको पिलाना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे ये। दोस्तों मैंने जैसे ही रैबिट के बच्चों को फीड करवाई है ना, उसके बाद जो हमारा मिस्टर जिमी है कह रहा है मुझे भी करवाओ, करनी है ये लो करवाओ, ये देखो आओ 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 सारे आ जाओ, ये तो जबरदस्ती पीते हैं यार। आ जाओ मिस्टर जिमी, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ मिस्टर जिमी, पिएगा जिमी पिएगा। सही किया खोल दिया, आप पिलाता हूँ इसको, आ जाओ मिस्टर जिमी आप पी, ये देखो। ओए टीका खींचने के चक्करों में तौबा खुदा। ओ यार रुको रुको आ जाओ पियो। बड़ा फनी है यार ये हमारा मिस्टर जी। सारा का सारा दूध ना कैट गैंग का रोज यही खत्म करता है, मैं भी पिला देता हूँ यार अपना दोस्त है। दोस्तों आज हम बहुत लेट हो गए हैं पेट्स को बंद करने में, क्योंकि सेफ्टी इनकी लाजमी है बड़ी, तो सॉरी आप सेव हैं हमारे पेट्स ना, बारिश आ भी जाए ना कुछ नहीं होना। दोस्तों आज का व्लॉग में ये एंड करते हैं, आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।